अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही देर में नॉर्वे अपना पांचवा मैच खेलेगा जो कि जिब्राल्टर के खिलाफ है। जिब्राल्टर ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग दी है और मौसम काफ़ी ठंडा है, धूप बिल्कुल नहीं है जैसे हमारे नॉर्वे में मौसम होता है। तो नॉर्वे की तरफ से संतोष और अंसर ओपनिंग आप देख रहे होंगे, ओपनिंग करेंगे ये। संतोष ने कल बड़ी जहराना बैटिंग की थी, चारों तरफ शॉट की मारे थे और चार और छह भी इसमें शामिल थे। तो आज देखना होगा इस जोड़ी को, ये कहाँ तक नॉर्वे का स्कोर को लेके जाते हैं। नॉर्वे अब तक चार में से तीन मैच हारा है और एक जीता है और आज इसका आखिरी मैच है राउंड का। इसके बाद प्लासेरिंग के पांचवीं, छठी और सातवीं और आठवीं के लिए मैच होगा कल। पहला बॉल होगा, अंतर सामना करेंगे। बॉलर आया, गेंद को धकेल दिया और ये आउट। पहला बॉल था और मिड ऑफ पे शॉट खड़े हुए थे लड़के और उनके सीधा बॉल उनके हाथ में और आंसर आउट होके बाहर। ये शॉट पूरा जिसे हम भर के कहते हैं वैसे नहीं था, सिर्फ गेंद को धकेल दिया था आराम से और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। तो एक कामयाबी जिब्राल्टर की, जीरो में एक लड़का आउट होके बाहर आंसर। जीरो में एक लड़का आउट हुआ है। अब सुहेल आए हैं जो कि सामना करेंगे, काफ़ी फॉर्म में ये भी और सुहेल तैयार नहीं थे, उन्होंने वापस भेजा है बॉलर को। सुहेल गेंद करेंगे, सुहेल ने आराम से गेंद को धकेल दिया और फील्डर वहां मौजूद था, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। प्रेशर बढ़ता हुआ और ये आउट। गेंद पढ़कर बाहर निकला था, सोहेल उसको खेलना चाहते थे और जीरो में दो लड़के आउट नॉर्वे के। मिडल में बॉल था, कट होके बाहर निकला, सोहेल उसको सीधा खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। बाहरी किनारा लगा है और बॉल सीधा कीपर के हाथों में। तो एक और झटका, आज काफी बुरे हालात लग रहे हैं नॉर्वे के। दो लड़के जीरो पे आउट होके बाहर का रास्ता देख चुके हैं, तो अब काफी स्ट्रगल करनी होगी नॉर्वे को इस मैच को जीतने के लिए। एक अच्छी बॉलिंग का नजारा है इन बॉलर की तरफ से, नंबर सेवन है ये। फील्डिंग में तब्दीली की गई है, स्लिप लिया गया है और प्रेशर को डाला गया है नॉर्वे के, जो कि दो लड़के जीरो पे आउट हो गए हैं। सफीर हयात आए हैं, गेंद को आराम से धकेल दिया गली की तरफ, डीप गली उन्होंने ली हुई है और एक रन बनेगा और पहला खाता खोला है नॉर्वे ने। एक रन और दो लड़के आउट बाहर का रास्ता। संतोष पहला बॉल खेलेंगे, सफीर हयात काफ़ी फॉर्म में है, तो अब थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी इन पर कि थोड़ा स्टे करें और मैच को थोड़ा सा लेके चलें। पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी यहाँ पर। गेंद करेंगे बॉलर और आराम से गेंद को धकेल दिया, यहाँ पर यकीनी है चार रन होना चाहिए। ये गेंद जा रही है आस्ते आस्ते बाउंड्री की तरफ और ये चार रन। फुल टॉस बॉल था, आराम से कलाइयों के साथ गेंद को धकेल दिया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ ये बॉल गया था चार रन के लिए और नॉर्वे का पहला चौका इस इनिंग्स का। और पांच रन पे दो लड़के अब तक आउट हो चुके हैं और ये
पहला ओवर बॉलर गेंद करेंगे, आराम से खेल दिया और फील्डर वहाँ मौजूद हैं, सफीर हयात नहीं ये एहतशाम बैटिंग करने आए हैं। पहले ऐसे ही लगा है सफीर हयात आए हैं, हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन एहतशाम बैटिंग करेंगे। दूसरा ओवर होगा और एहतशाम सामना करेंगे। बॉलर आए गेंद की और ये बॉल थोड़ा सा नीचे था और एहतशाम ने आराम से दफाई अंदाज में खेल दिया और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। दूसरा बॉल होगा और बहुत बाहर बॉल था, खेलना चाहते थे, एम्पायर खामोश रहे हैं, कोई वाइड नहीं दिया उन्होंने, हालांकि लग ऐसे ही रहा था कि वाइड होना चाहिए इस बॉल को, लेकिन किसी रन का कोई इजाफा नहीं। बॉलर गेंद करेंगे, एहतशाम उसका सामना करेंगे, आराम से गेंद को धकेल दिया, सिंगल होना चाहिए, तेजी करनी होगी यहां पर और एक और रन। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन हुए हैं और दूसरा ओवर चल रहा है और 2 लड़के अब तक आउट हो चुके हैं। संतोष सामना करेंगे, बॉलर आए गेंद की और आराम से गेंद को धकेल दिया, वहां 1 रन होना चाहिए, डीप थर्ड मैन पे ये बॉल गया था और स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। एहतशाम सामना करेंगे, एहतशाम ने उठा के फुल कर दिया गेंद को 4 रन के लिए, खूबसूरत शॉट, पीछे गेंद किया था एहतशाम ने, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं की, ब्लेड पे गेंद को लाते हुए धकेल कर एम्पायर के ऊपर से फेंक दिया 4 रन के लिए और स्कोर फटता हुआ 11 रन और ये दूसरा वक्त कंटिन्यू चल रहा है। एक अच्छा आत्मात आया होगा तो शाम को, एक और कट शॉट खेल दिया, यकीन ये 4 रन होना चाहिए, 4 रन पॉइंट की तरफ पूरा कट शॉट खेला था और फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था और एक खूबसूरत शॉट एहतशाम का और एक स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। एक अच्छा कम बैक हुआ है नॉर्वे की तरफ से, हालांकि 0 पे 2 रन, 2 लड़के बाहर का रास्ता देख चुके थे और 15 रन और 2 विकेट और 2 ओवर कंप्लीट हुए हैं। यही साहब तशरीफ ले आए हैं और जल्दी आप उनकी वाइफ को भी सुन पाएंगे, चलाई रखो। नंबर 7 गेंद करेंगे और डाउन द लेग साइड गेंद किया है और ये यकीनी लेग बाई का इशारा होना चाहिए एम्पायर का और एक लेग बाई, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 18 2 आउट। नंबर 7 गेंद करेंगे एहतशाम को, एक नीचे बॉल था एहतशाम ने दफाई अंदाज में खेल दिया और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। नंबर 7 गेंद करेंगे एहतशाम को, डाउन द लेग साइड बॉल है, यकीनी इसको वाइड होना चाहिए लेकिन एम्पायर का कहना था कि थाई पे कहीं गेंद लग कर गया है और ये अपील भी थी हल्की सी और एहतशाम को आज इनिंग दिखानी होगी। हम काफ़ी याद कर रहे हैं इनकी इनिंग्स को, 150 हमें आज चाहिए इनसे और गेंद करेंगे, डाउन द लेग साइड गेंद गया है और एक अच्छी कॉल थी संतोष की और 1 रन का और इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। बॉलर गेंद करेंगे और उसका सामना करेंगे संतोष, संतोष ने कट खेल दिया, वहां फील्डर मौजूद है और एक अच्छी शॉट थी लेकिन किसी रन का कोई इजाफा नहीं। ओवर और 3 ओवर के इख्तिताम पर 19 स्कोर हुआ है नॉर्वे का और 2 लड़के आउट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलिंग चेंज फ्रॉम द सिटी एंड सो नाउ द फेसिंग मिस्टर एहतशाम अल हक। हियर इज कमिंग राइट आर्म ऑफ स्पिनर
state the bowler himself, no runs. So 18-19 runs on the board, two very good wickets is down in the very first over. So it is very close, but batsman was very unlucky not to get the touch. Ball was very close. He tried to hit the ball to the cut region, to the point region. Air is coming. Balling from the city end. Just batsman played there. Push the ball straight to the bowler himself. The field placing is long on. Wide-ish mid wicket. Short leg. Fine leg. Third man. Short third man. Point. Deep cover and cover point. And extra cover. So there is no long off. Now there again bowling fielding change. Cover is very close to the extra cover shot. This is a good shot, but Apesh stay to the third man, four runs. 23 on the board, so 2 wickets down, fourth over is proceeding. So Norway has, in a very first over, has fallen 2 wickets. It is coming, right arm off spinner bowler. Good shot. Over the square leg, deep square leg, for more runs, Mr. Ehtisham ul Haq. So, 27. For two. Field is going to their place. They're running to the wide mid wicket. Here is coming. Very respectable play by Mr. Ehtisham. So 27 on the board. Over to Munawwar Ahmed Sayed. Bowling continue hogi. Number 7 gend karenge. Santosh iska samna karenge aur वाइट बॉल होना चाहिए. और अब थोड़ी सी सूरत हाल को नॉर्वे वापस लाता हुआ, जबकि 0 पे 2 आउट हो गए थे, 28 रन हो चुके हैं, 4 ओवर कंप्लीट हो गए हैं. तो एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही है संतोष की और एहतशाम की. बॉलर गेंद करेंगे और संतोष इसका सामना करेंगे. संतोष ने खेल दिया यकीनी है, 4 रन होना चाहिए, 4 रन. स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को धक्का दे दिया था, फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन हो गए हैं और ये पार्टनरशिप को कम से कम 5 ओवर और खड़ा होना का, 10 ओवर तक इनको खड़ा होना होगा, ताकि जो 2 विकेट जो जल्दी गिरी हैं उनका नुकसान को पूरा किया जा सके. तो एक अच्छी खबर ये है कि एहतशाम थोड़ा सा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बैट पे उनके बॉल आ रहा है, बहुत खूबसूरत कट शॉट खेल रहे हैं, काफ़ी बैलेंस करके शॉट खेल रहे हैं. तो ये एक अच्छा जो है हमारे लिए है कि एहतशाम फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. तो बॉल करेंगे और संतोष ने सीधा शॉट खेल दिया और डाई मारा, लेकिन कोई चांस नहीं, 4 रन. स्ट्रेट ड्राइव खेला था, तेजी के साथ फील्डर आए थे, डाई मारने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. स्कोर बढ़ता हुआ 36. थोड़े से परेशानी लग रही है जिब्राल्टर को इस पार्टनरशिप के लिए. आराम से गेंद को रोक दिया है, इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए. 2-4 मार चुके हैं संतोष, अब किसी किस्म का जल्दी की ज़रूरत नहीं है. इसको सिंगल बना के इसको 10 कर दिया जाए और अगले ओवर तक उसका वेट किया जाए. नंबर 7 गेंद करेंगे और संतोष उसका सामना करेंगे.
संतोष ने शॉट खेल दिया, यकीनी ये 4 रन होना चाहिए। ये फील्डर भाग रहे, तेजी करनी होगी बहुत तेजी के साथ, और ये रोकने में कामयाब हो गए। 2 रन गैप में शॉट खेला था संतोष ने, और ऑन द लाइन फील्डर ने पैर से इस गेंद को रोक दिया, और स्कोर बढ़ता हुआ 38। 5वां ओवर कंटिन्यू अब तक चल रहा है। बॉलर गेंद करेंगे, एक अच्छी कॉल है एहतशाम की, इस तरह हो खेलना होगा हमें, इस तरह सिंगल हमें लेने होंगे, और एक सिंगल और एक बॉल और अभी इस ओवर का बाकी है। स्कोर बढ़ता हुआ 39 स्कोर। एहतशाम सामना करेंगे, एहतशाम ने गेंद को धकेल दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, तेजी करनी होगी। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, डाइव मारना होगा, और ये रोकने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन तब तक 3 रन बन चुके थे। एक अच्छी शॉट, एक अच्छा गैप शॉट था एहतशाम का। स्कोर बढ़ता हुआ 42 और 5 ओवर कंप्लीट हो गए हैं। तो वो जो हमें नुकसान था 2 विकेटों का, वो अब काफ़ी बेहतर हो गया है, और ये दोनों बैट्समैन अच्छी बैटिंग का मजाहरा करते हुए। यस सर, सो द 6th ओवर इज नाउ कमिंग फ्रॉम द सिटी, एंड नॉर्वे इज अ गुड पोजीशन, बट दे हैव फॉलन 2 विकेट्स। हियर इज कमिंग द सेम बॉलर, and it's cutting over the fence. 4 more runs by Mr. Etishan for 46 runs on the board. Very first ball go across over the boundary, 4 runs. So Etishan is in a very good position, and the other batsman Mr. Santosh here is coming, right arm off spinner, little bit flight, batsman give the respect to the bowler, and ball was just roll over the close to the keeper, throw the ball to the bowler. Here is coming, right arm off spinner, flighted delivery, just push the ball, and in the meantime the batsman has taken 2 more runs because of the fielder has missed a very easy ball. So bad fielding by Gibraltar. There is field changes. Here is coming the bowler. Again cut the shot, but stay to the fielder. But in the meantime, the batsman has completed the single for 48. Fifty-two runs on the board. Now, off spinner from the city end. Shoot the ball. Stay to the bowler himself. And it's coming, Mr. Etishan made another 1 single. So 53 runs on the board. 6th over is completed. So the average is very good. So over to Mr. Munawwar Ahmed Syed. एक अच्छी बैटिंग का मज़ारा है एहतशाम की तरफ से। स्कोर 53 हो गया है, 6 ओवर जो दायरा था वो कंप्लीट हो गया है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप हम कह सकते हैं संतोष की और एहतशाम की। एहतशाम खूबसूरत शॉट खेल रहे हैं, चारों तरफ कट खेल रहे हैं, पुल खेल रहे हैं, और एक ये डेंजरस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जिब्राल्टर के लिए। नंबर 9 बॉलिंग में तब्दीली हुई है, और गेंद करेंगे, ज़ाहिरी ऐसे ही लगता है जैसे स्पिनर हों, और सामना करेंगे एहतशाम उनका। बॉलर आए, फ्लाइट बॉल, और ये स्टंप होने का चांस था, और ये स्टंप
चांस मिला है, निकले थे ऑन पे खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए और कीपर एक स्टंप कर सकते थे और वो एक चांस मिला है, इस गेंद को सीधा खेलना चाहिए था। बॉलर आए गेंद की, फ्लाइट बॉल की है और इस बारी फिर एक अच्छा बॉल था, मिडल में पड़कर गेंद बाहर निकला है और एक अच्छा स्टार्ट बॉलर का। एहतशाम सामना करेंगे, आराम से गेंद को धकेल दिया है और एक रन। शॉट एक्स्ट्रा कवर पे बॉल गया था, वहां फील्डर मौजूद थे और एक रन का इजाफा। संतोष सामना करेंगे स्पिनर का, आराम से गेंद को धकेल दिया और किसी रन का कोई इजाफा नहीं अभी तक। एक अच्छा ओवर, चार बालों में एक रन दिया है, फिर फ्लाइट दिया है और ये गेंद को फेंकना जा रहे थे, ग्ले ब्लेड में पूरा बॉल नहीं आया है और एक ही रन बनेगा। हालांकि हवा फुल टॉस बॉल था, बहुत टाइम दिया था, इसको बाहर फेंका जा सकता था। स्कोर बढ़ता हुआ 5-5 और ये सातवां ओवर है। आराम से कट खेल दिया है और संतोष ये रन लेना चाहते नहीं थे और एक अच्छा ओवर नंबर 9 का और स्कोर 55 सात ओवर की समाप्त में। It is the 7th over is now coming from the pavilion end, and I think the field is well spread, long on, long off, wide-ish mid wicket on the line, cover on the line, deep cover, deep extra cover, point. Oh, again the other, a bowling change. Is a quicker bowler but looks like a spinner. Here is coming, bowling from the pavilion end. Very easy bowling action by number 8. So, Yetsham get another single. So 57 runs on the board, 7th over is proceeding, here is coming. Very short ball outside the off-stick, umpire has given no white ball, so one more run. 58. Here is coming. Very short batsman, not lucky to get it four, but only take a settle for a single. One more run. 59 on the board. 7th over is proceeding. Cool. Wind blowing, and here is coming, right, very short ball, but push the ball, stay to the cover region. One more runs by Mr. Etisham. So 60 runs on the board, 7th over proceeding. So it is almost 9 runs per over average. It's not a bad, not a good shot by Mr. Etisham. But fielding is a very nice fielding by the point region. So one more run by Etisham. 61 on the board. In the last over, there was a very good ball outside the off stick. And batsman looking for the white ball, but umpire has no react. Here is coming. Outside the off stick. Yeah, Becca. So there is 61 on the board. 7th over is completed. Thank you. Shukriya, Yahya Sahib. Helmet change karna chahte hain aur cap keh rahe hain ki maine pehni hai. बॉलर गेंद करेंगे, सामना करेंगे एहतशाम, उनका फ्लाइट गेंद किया और एहतशाम ने गेंद फेंका, बाहर फेंक दिया 6 रन के लिए। ये गेंद हमारे ऊपर से तकरीबन 10 मीटर ऊपर फेंका है, एक स्ट्रेट शॉट, एक बैलेंस शॉट, पूरा मिडल में लाके धकेल कर बाहर फेंक दिया 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 67 और जबकि
आठवां ओवर कंप्लीट हो चुका है अब तक। सो हो जाए ना, फिर आराम से धकेल दिया है मिड ऑफ की तरफ, डीप मिड ऑफ, वहां प्लेयर मौजूद है और एक रन बनेगा इस एक रन के साथ। एहतशाम 42 पे खेल रहे हैं और 20 रन पे खेल रहे हैं। एक और शॉट मारा है, वहां फील्डर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग करेंगे और ये 4 रन। जिस तरह से फील्डिंग कर रहे इस तरह हो जाएगा। प्लेयर स्लिप हो गए थे, गेंद को रोकना चाहते थे, उन्होंने डाइव किया था लेकिन गेंद उनके ऊपर से गेंद होके निकल गया और 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ 72 और 8 ओवर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 24 रन पे खेल रहे हैं संतोष और ये गेंद को उठा के आउट होने का खतरा, यह 6 रन होगा और यह 6 रन। साइड स्क्रीन पे जाके गेंद लगा है और पहले ऐसे लगा कि खड़ा रहेगा अंदर रहेगा लेकिन गेंद सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर और स्कोर बढ़ता हुआ 78 जबकि 30 रन पे खेल रहे हैं संतोष। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है और बॉलर ने राउंड द विकेट अपने आप को किया है। फ्लाइट गेंद करेंगे फिर संतोष, उसको ऑन पे खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। एक बॉल अभी यार और हेलो हेलो, काफी महंगा ओवर लगा है, एक 6 लगा है, 2 6 लगे हैं, एक 4 लगा है और एक सिंगल हुआ है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, शॉट मिड ऑन को लिया गया है, फिर फ्लाइट बॉल की है और आराम से गेंद को धकेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक रन दूसरे रन के लिए तेजी करनी होगी और ये 2 रन। 19 रन्स। अच्छा आज टॉस हो जीते हैं? आज टॉस जिब्राल्टर जीता है और उन्होंने नॉर्वे को पहले बैटिंग का मौका दिया है और जबकि नॉर्वे इस वेदर का जो है वो क्रेज है उनको, नॉर्वे में ऐसे ठंडा मौसम होता है उनका, ये फेवरेट मौसम है और जिसका रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं कि 2 विकेट हालांकि गिर गए थे लेकिन उसके बाद गुड कम बैक हुआ है और 9 ओवर की समाप्त खत्म हो गई है और स्कोर 80 रन हुआ है। हियर इज कमिंग द 10th ओवर ऑफ दिस this tournament and this innings, bowling from the city end, and I think the Mr. Ehtisham is facing this bowler. Field is well spread, long on long off. Here is coming, batsman going back to his feet, but not coming behind the line of the ball. Ball goes to wicket keeper, no touch, no damage of any done. So there is a one ball is stuck. Here is coming, very short and oh my goodness, it stayed to the hands of the fielder scare leg and it was a soft dismissal by Mr. Ehtisham. And I think 3 wicket down, Norway has not a bad position, not even a good position, but the 3rd wicket, very productive batsman, lost 3-4 overs, but he has not gone. Ambitious shot over the square leg boundary, the best fielder was taken a very dolly catch, no difficulty for the batsman. The new batsman is Mr. Safir Hayat, a very aggressive, very Head is coming, bowling from the city end, short ball outside the off stick, umpire has given white ball, one more run, so 81 runs on the board, 3 wickets down, just Ehtisham is back to pavilion, and here is coming, the bowler is just giving the ball to the mid, the good length, respected by the batsman. Pushed to the bowler himself. Here is coming. Oh my goodness. Down the wicket. Wicket keeper could not hold the ball properly and misses, and missing another good chance for Gibraltar. So he has got a good full toss and just pushed the ball. And this time the batsman has taken a single. So 82 runs on the board. 10th over is still proceeding. Is
Mr. Safir has taken a guard from the umpire and they have said okay, that's okay. So he's now settled, looking around the field, and bowler is ready to bowl. Here is coming. Beautiful shot by Mr. Wari. Was straight to the wide, long extra cover. So take a comfortable single, 83 on the board. 10th over is completed. So I think last half of this innings has been completed. And over to Mr. Munawwar Ahmed Sayed. शुक्रिया यैया साहब. बॉलिंग में तब्दीली हुई है. पांच नंबर गेंद करेंगे और सामना करेंगे सफ़ीर हयात. एक अच्छा शॉट था तशाम का, लेकिन बाउंड्री काफ़ी लंबी थी. विकेट थ्री पे खिलाया जा रहा था तो 10 मीटर का फ़र्क पड़ गया और यही बात थी कि बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं गया और ऑन द लाइन कैच हुआ है. सफ़ीर हयात अब सामना करेंगे नंबर 5, जो कि पहला ओवर करा रहे हैं. 10 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और 83 स्कोर है, जबकि संतोष 31 पे खेल रहे हैं और सफ़ीर 1 रन पे. फील्डिंग में तब्दीली की गई है. शॉट मिड विकेट को लिया गया है. डीप मैडाउन है और डीप स्क्वेयर लेग लिया गया है. बॉलर गेंद करेंगे, कट कर दिया. फील्डर वहाँ मौजूद हैं और 1 रन लाजमी बनना चाहिए ये, लेकिन नहीं. किसी रन का कोई इजाफा नहीं. बॉलर गेंद करेंगे जबकि सामना उनका करेंगे सफ़ीर हयात. फिर कट खेल दिया है और यकीनी ये सिंगल होना चाहिए और 1 रन. ये गेंद काफ़ी बॉडी से बाहर था, इसको छोड़ा भी जा सकता था वाइड बॉल के लिए, लेकिन सफ़ीर ने खेल दिया. शॉट एक्स्ट्रा कवर पे लड़का मौजूद था और 1 रन का इजाफा हुआ. नहीं ठीक है इसको अगर गिरत. गेंद करेंगे और सामना करेंगे संतोष. इसको वाइड होना चाहिए. मतवातर तीनों गेंद तकरीबन वाइड थी, लेकिन 2 सफ़ीर ने खेल दी थी, लेकिन इस बार संतोष ने उसको जाने दिया और स्कोर बढ़ता हुआ 85 और ये 11वां ओवर होगा. बॉलर नंबर 5 गेंद करेंगे संतोष को और फिर वापस आ गए हैं और अब संतोष सामना करेंगे. संतोष आए गेंद की और ये बहुत खूबसूरत कैच, बहुत प्यारा कैच. आराम से लेट कट खेलना चाहते थे और कामयाब नहीं हुए. बाहरी किनारा लगा है और खूबसूरत कैच कीपर ने पकड़ा है और एक और छटका. चार लड़के आउट हो गए जबकि संतोष काफी सेट थे, वो भी आउट हो गए हैं. और अब थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी. न्यू बैट्समैन सुफियान आए हैं और सफ़ीर अभी अभी एक ओवर पहले आए हैं, तो इनकी जोड़ी कम से कम 5 ओवर चलना चाहिए इनको साथ लेके पार्टनरशिप को. सुफियान सुफियान पहला गेंद खेलेंगे. काफी क्लोज मामला हो सकता है, लेकिन एम्पायर खामोश रहे. अब देखो ना ये बल्ला, देखो ना काफी क्लोज मामला हो सकता था. ये पहला बॉल था और बल्ला नजदीक रहा. खुदा के बंदे सुफियान एम्पायर खामोश रहे और अच्छा स्कोर में कोई इजाफा नहीं. इतनी तेज नहीं खेल रही. बॉलर गेंद करेंगे, सामना करेंगे तशाम उनका. बॉलर आए गेंद की, कट खेल दिया और एक खूबसूरत कट, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद और 1 ही रन बन पाएगा और स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन. सफ़ीर सामना करेंगे. बड़ा मजेदार खेला ये. बॉलर आए गेंद की और सफ़ीर पहले छोड़ना चाहते थे. गेंद बहुत वाइड था, आपको एहतियात करनी होगी. बात ठीक है आपकी, आपको बाहर जो वाइड मिलता है उस पर एहतियात करनी चाहिए. अभी भी संतोष ने वही गलती की थी और बाहरी किनारा लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया, तो उसको दोहराना नहीं होगा. गेंद को जाने दो. इस ओवर में बादशाह कल देखा आपने
बॉलर। हाँ कल तो बहुत गलत आई गेंद की, स्लो बॉल था, इसको भी वाइड होना चाहिए। और ये कल बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे वाइड स्कोर बढ़ता हुआ 87। लेकिन जिस तरह उसने दिया ना बॉलर आए, गेंद करेंगे सफीर हयात को, एक और वाइड होना चाहिए। सफीर खेलना चाह रहे थे उसको निकल कर, लेकिन लगता है ऐसी है जैसे पैर पे कहीं ना लग गया हो, और लगता है पैडों पे लगी गेंद। 88 स्कोर हुआ है और 11 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और 4 लड़के आउट हुए हैं नॉर्वे के। एयर इज कमिंग 12th ओवर ऑफ दिस इनिंग्स। आई थिंक अनदर द सेम बॉलर व्हिच हैज बीन बोल्ड जस्ट 5 ओवर बिफोर एंड respectable playing by Mr. Iftikhar. Ball was going to extra cover, short extra cover taken once. So 89 on the board. Mr. Safir is facing very aggressive mode, I think so. Playing back foot, ball was just jumping from the middle stick and no damage of any done. So wicketkeeper well behind, well close to the stumps. Beautiful play. This is the beautiful technique. Down the wicket, bring the foot and just push the ball to the extra cover and take a comfortable single. So 90 runs on the board. 12th over is proceeding. Here is coming Mr. Iftikhar. Again just push the ball. In the meantime, the batsman has taken a single. Mr. Safir has good call. So batsman reach at home. Here is coming. This bowler is not giving any flight, not any liberty to the batsman. Beautiful shot. But stay to the fielder. One more runs in favor of Safir. 92, 12th over. Both the batsman is a very good position and good performer. Air is coming. Right arm, off spinner, just push the ball, left on the pad, 12th over is completed, 92 runs on the board, M.A. Munawwar Ahmed Sayed over to. Shukriya bahut bahut yaya sahab. Boundary inhone ajeeb ki banayi hai. Boundary. Baller number 11 gain karenge Safir Hayat ko, baller aaye. बाला गेंद की आराम से गेंद को धकेल दिया है, वहां पर गली में लड़का मौजूद है और एक रन बन पाएगा और एक रन स्कोर बढ़ता हुआ 93 और 12 ओवर कंप्लीट हो गए हैं, 13 वहां ओवर चल रहा है और थोड़ा सा 6-7 रन आपको लेके चलने होंगे ताकि आखिरी 5 ओवर में आप इसको लंबे स्कोर की तरफ जा सकें। तो सफियान सामना करेंगे बॉलर का, गेंद को धकेल दिया है, वहाँ फील्डर मौजूद हैं, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और एक रन। पांच लड़के ऑफ लिए हुए हैं और 4 लड़के ऑन पे लिए हुए हैं। सफीर आज गेंद को उठा के बाहर फेंक दिया, बोर नंबर 6 जाना चाहिए ये, और ये 6 टेनिस कोर्ट बना हुआ था वहां पर गेंद फेंक दिया है, तकरीबन 100 मीटर उसको होना चाहिए ये, और एक खूबसूरत शॉट सफीर हयात की, काफी लंबा 6 था, कलाइयों का इस्तेमाल किया था, कलाइयों का इस्तेमाल किया था और गेंद को धकेल के बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 100 हो गया है और 12 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और 13वां ओवर चल रहा है। एक खूबसूरत 6 सफीर हयात का, अगला बॉल खेलेंगे। बॉलर आए, गेंद की आराम से धकेल दिया गेंद को, वहां फील्डर मौजूद है और एक ही रन बन पाएगा। अच्छी फील्डिंग का मजा रहा और पन्ना गेंद 4 हो सकता था ये।
स्कोर बढ़ता हुआ 101 हो गया है और 18 ओवर कंप्लीट है। अंकल आप सुफियान सामना करेंगे बॉलर का। मैं कहाँ कह रहा हूँ, वेरी बैड शॉट, वेरी बैड डाउन द लेग साइड बॉल था और आराम से उसको उसको लेग की तरफ खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए और लेग बाय का इशारा अंपायर का, स्कोर बढ़ता हुआ 102। बॉलर आपको तो बता रहा हूँ गेंद करेंगे और कट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, किसी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ और इसके साथ ही ओवर की समाप्त हुई और 14 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और 102 नॉर्वे का स्कोर है 4 विकेट पर। मिस्टर सफीर इज फेसिंग बॉलर फ्रॉम द सुफियान, मिस्टर सुफियान इज फेसिंग बॉलर फ्रॉम द सिटी एंड फुल टॉस। बैट्समैन नॉट कमिंग बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल, वेरी गुड चांस टू नॉट टू हिट दिस फोर रन्स। There is coming Mr. Sufyan is facing the bowler from the city end. Off-spin again. Look at this batsman. What a keep it up, buddy. So the field is well set. Deep cover. Extra cover. Long on, long off. Wide-ish mid-wicket. And square, deep square leg, fine leg, third man, here is coming. Well played by Mr. Sufyan, just pushed the ball, very sensibly take two more runs. So 104, just pushed the ball to the deep square, deep extra cover, deep mid wicket. Here is coming, bowler from the again, batsman was officially shot, but lucky not to get out. So in the meantime, the batsman has taken a singer. One more runs, 105 for the loss of 4 wickets. Air is coming. Oh, very bad shot, outside edge. And Mr. Safir back to pavilion. Not a good shot. Wanted to make this shot to the long on, but outside edge, ball was flying over midwick, the cover region, and he was out very cheaply. So the new batsman, the new batsman is Mr. Iftikhar Hussain. No, Norway has not a good position, not even a bat, but let us see what is happening in the next 8 overs. So Norway has down 5 wickets. Again, new batsman Mr. Iftikhar cut the ball straight to the fielder, one more run. So good over by Gibraltar and 5 wickets down, so 106 runs on the board. Thank you. 14 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और 106 स्कोर है। इफ्तिखार सामना करेंगे बॉलर का, एक डाउन द लेग साइड बॉल था, एक अच्छा डिसीजन अंपायर का, गेंद थर्ड मैन की तरफ गया है और एक रन बनेगा, एक अच्छा बॉल। देखो क्या तकनीक देखा, देख रहे कैसी बैट तकनीक। बॉलर गेंद करेंगे और सामना करेंगे सुफियान, 11 नंबर हैं, काय गेंद की, सुफियान आराम से खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं आई उनको और अब ओवर थ्रो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, स्कोर 107। बॉलर गेंद करेंगे और सुफियान उसका सामना करेंगे और गेंद 6 रन के लिए, स्क्वेयर लेग की तरफ गेंद को धकेल दिया, खेलना चाहते थे लेकिन
ऐसा नहीं लगा कि गेंद पूरा ब्लेड में है, लेकिन गेंद हवा से होता हुआ बाउंड्री से बाहर। इस 6 रन के साथ सुफियान 13 रन पे पहुंचे हैं और 113 नॉर्वे का स्कोर हुआ है। 14 ओवर कंप्लीट हो गए हैं, 15 ओवर चल रहा है। बॉल करेंगे बॉलर, सुफियान उसका सामना करेंगे। सुफियान ने गेंद को उठा के धकेल दिया है गली के ऊपर से, यकीनी 1 रन 2 रन 4 रन के लिए जान, और ये 4 रन। फील्डर उन्होंने पूरी एफर्ट की, पूरी ट्राई की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और इस 4 के साथ सुफियान का स्कोर 15 रन हो गया। नॉर्वे स्कोर बढ़ता हुआ 117। 14 ओवर कंप्लीट हो गए हैं, 15 ओवर अब तक चल रहे हैं और 5 लड़के अब तक बाहर का रास्ता देख चुके हैं। गेंद करेंगे 11 नंबर, आराम से गेंद को धकेल दिया मिड ऑफ की तरफ, वहां फील्डर मौजूद है और 1 रन का इजाफा होगा। इफ्तिखार सामना करेंगे, बॉलर आए, इफ्तिखार ने गेंद को धकेल दिया, यकीनी ये 4 रन होना चाहिए। 4 रन, बहुत पावरफुल शॉट था, काफी महंगा ओवर, स्कोर बढ़ता हुआ 1-2-2। 15 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 लड़के आउट हो चुके हैं और इफ्तिखार का 6 रन है, जबकि सुफियान 18 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। सुफियान सामना करेंगे, सुफियान आए, कट खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है और 1 रन बनेगा। अगर आप कीपर का पैर देखें तो वो काफी टेक्निकली काफी गलत खड़े हैं, उनका लेफ्ट पैर डाउन द लेग स्टंप है और ये टोटल गलत है, उनका पैर ऑफ स्टंप पर होना चाहिए, लेफ्ट पैर जो है। और ये गेंद आउट होने का खतरा है और ये आउट। इफ्तिखार लंबा खेलना चाहते थे, गेंद को टपाना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद था और एक और झटका नॉर्वे को और आउट होके बाहर। इफ्तिखार आप कप्तान चंदू हैं जो कि अब आएंगे बैटिंग करने के लिए। स्कोर 123 हुआ है और 6 लड़के आउट हो चुके हैं। चंदू आए हैं, कप्तान भी हैं और आज 4 ओवर की पार्टनरशिप चाहिए चंदू से और सुफियान की। चंदू गेंद करेंगे और सामना करेंगे, चंदू बैटिंग करेंगे और एक अच्छा बॉल था, चंदू खेलना नहीं चाहते थे, गेंद को जाने दिया और नंबर 6 गेंद करेंगे और चंदू उसका सामना करेंगे। शाबाश बट चंदू, बॉलर आए गेंद की, उसको फाइन लेग की तरफ खेल दिया है, डीप फाइन लेग पे लड़का मौजूद है और 1 ही रन का इजाफा होगा। स्कोर 1-4। हम कीपर की बात कर रहे थे कि उनका लेफ्ट पैर जो है वो डाउन द लेग साइड होता है, टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है, उनका पैर ऑफ स्टंप पे होना चाहिए और काफी पैर खोल के खड़े होते हैं। गेंद को आराम से धकेल दिया, वहां सिंगल होना चाहिए और 1 और रन। चंदू सामना करेंगे और ये वाइड बॉल, एक अच्छा डिसीजन चंदू का, गेंद को जाने दिया और 1 एक्स्ट्रा रन। स्कोर बढ़ता हुआ 126। बॉलर आए गेंद की, चंदू ने आराम से गेंद को धकेल दिया और एक अच्छी फील्डिंग का मजारा, वरना ये यकीनी 4 हो सकता था, यकीनी एक ये 4 हो सकता था। इसके साथ ही एक अच्छा ओवर बॉलर का और 120 8 स्कोर है और 16 ओवर अब तक कंप्लीट हो गए हैं। 127 मे बी
It is 17th over his proceeding. Now the ball is full toss over the fence. Bad ball, man. Bad ball. Go for bad ball. Very first ball is treated to the 6 runs. So 120, 133 runs on the board. 17th over his proceeding. The very first ball. Gifted ball. Gifted ball. Received by Mr. Shabal Butt. The same bowler who has bowled. Very. Here is coming. Right arm. Leg spinner. Just push the ball to the extra cover. Take a comfortable single. 134 for the loss of 6 wickets. 17th over. Leg spinner. Round the wicket. Full toss. Again, this time the batsman has got another 4 runs. Get another 4 runs. 138. So let us see. Here is coming. Leg spinner. Round the wicket. Short ball. But this time batsman has take a single. 139. 6 wickets down. 17th over is proceeding. Here is coming. Beautiful shot. Oi! That was a marvelous shot between hands and the legs. Ball was over the fence. 4 more runs. 133. 17th over. This over is very productive for Norway. 143. 6 wickets down. Again down the wicket. But stay to the bowler himself. And this over is very expensive. Very good for Norway. 133. Over to Munawwar Ahmed Saiya. Thank you. शुक्रिया यहिया साहब. और स्कोर 10 स्कोर बढ़ता हुआ 143 143 स्कोर हुआ है. 17 ओवर कंप्लीट हो गए हैं. चंदू 13 रन पे खेल रहे हैं और 25 रन पे खेल रहे हैं. इन ओवर जो देखो जी, अगर सुफियान ओवर और मिल गया ना फिर तो हो जाएगा. बॉलर आएंगे और सुफियान उसका सामना करेंगे. राउंड द विकेट गेंद कराया और सुफियान ने कट खेलना चाहते हैं. वहां फील्डर मौजूद है लेकिन कोई चांस नहीं. एक पावरफुल शॉट जिसको हम बुलेट कहते हैं और वो पूरा ब्लेड शॉट था और फील्डर के लिए कोई चांस नहीं. स्कोर बढ़ता हुआ 147 जबकि 29 पे खेल रहे हैं सुफियान. इतना पावरफुल शॉट था कि बॉलर ने कहा है कि गेंद वहां जाके लगा है, जख्मी हो गई है और उसको दिखाया जा रहा है एम्पायर को. और एम्पायर का ग्रीन सिग्नल के कैरी ऑन. बॉलर गेंद करेंगे, सामना करेंगे सुफियान. बॉलर आए गेंद की और एक खूबसूरत शॉट स्विप मारा है वहां. किसी किस्म का कोई चांस नहीं और स्कोर तेजी के साथ भरता हुआ 153. 151 स्कोर हो गया है. 17 ओवर कंप्लीट हो गए हैं. 18 ओवर चल रहा है अब तक. और एक अच्छी बैटिंग का मजा आ रहा सुफियान का जो कि 33 रन पे खेल रहे हैं. सुफियान फिर गेंद को धकेल दिया और ये आउट होने का खतरा. और ये आउट. गली से गेंद को धकेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए. फील्डर काफी लंबा कद था इनका जिन्होंने ये कैच पकड़ा है और बाल को अपने हाथों में थाम लिया और सुफियान आउट होके बाहर. 7 लड़के आउट हो चुके हैं और 151 स्कोर है. 18वां ओवर चल रहा है. इसके बाद 2 ओवर हो रहे हैं. आबिद आए हैं. आबिद आराम से गेंद को धकेल दिया. वहां फील्डर मौजूद है लेकिन एक रन आदमी बनेगा और एक रन. स्कोर बढ़ता हुआ 152. चंदू अपनी जगह पे मौजूद है. खूबसूरत शॉट
खेल रहे हैं और करीब से मौजूद हैं, तो इनको दो ओवर और खड़ा होना होगा चंदू को। बॉल करेंगे और चंदू उसका सामना करेंगे। फ्लाइट बॉल, चंदू ने आराम से गेंद को धकेल दिया है और एक रन लाजमी होना चाहिए। एक रन, आखिरी बॉल होगा। स्कोर 153 हो गया है और आखिरी बॉल के बाद 18 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। आबिद, अच्छा ये आबिद है, देश चार बॉल हो गया, क्लीन बॉल कर दिया, क्लीन बॉल कर दिया। लमश खेलने चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और 8 लड़के आउट 153 के ऊपर। क्रॉस खेलना चाह रहे थे, इसको ऑन पे खेलना चाहते थे और गेंद उनके बल्ले पे नहीं था और आबिद आउट होके बाहर। आउट, 8 लड़के आउट होने के बाद स्कोर हुआ है 153 और 18 ओवर कंप्लीट हुए हैं। यार उसे सितारा ले गया है, समझ तो बाहर है। There is a bowler from the church and bowling to Mr. Butt. Beautiful. Just push the ball, but stay to the fielder. One more runs, Mr. Butt. 154 in 19th over. I think this is a 19th over is proceeding. So the new batsman, Damon. Mr. Damon. Mr. Damon, the Australian born. Oh, down the wicket. Coming, but ball outside the off stink. Ball was going to keeper, no runs. 154. 8 wicket down. Air is coming. Beautiful. Placing, stay to the mid-off and take a comfortable single. One more run. 155 for the loss of 8 wickets. 19th over is proceeding. Man, the number 11 is coming from the church end. Here is coming. Beautiful shot. But no power behind. Ball was just yorker, but lucky to get one more runs. 156 for the loss of 8 wickets. Norway has not a good sound, not a bad position, but 19th over proceeding. Here is coming. Shot little bit. Damon has just glide the ball to the scare leg. One more runs. 157. For the loss of 8 wickets. Now it looks like a sun shining. Here is coming. Man from church end coming. Beautiful shot over the extra cover. 4 more runs. So 161 for the loss of 8 wickets. And it is 19th over completed and the position is 8 overs down. 19th over completed. It is over to Muhammad Munawwar Ahmed Sayed. Thank you. 161 स्कोर है, आखिरी 6 गेंदे हैं, 8 लड़के आउट हो चुके हैं। शहबाज 20 रन पे खेल रहे हैं जबकि डायमंड 2 रन पे खेल रहे हैं और आखिरी ओवर होगा और ये लेग स्पिनर कवर होगा। काफ़ी फ्लाइट गेंद करते हैं और एक दो लाभ में फुल टॉस देते हैं। अगर बैट्समैन वेट करें तो दो बैट डिलीवरी के ऊपर लंबा स्कोर बना सकते हैं। फील्ड में थोड़ी तब्दीली हुई है और डीप मैडाउन को शॉर्ट डीप नहीं नहीं मिड विकेट को शॉर्ट मिड विकेट किया गया है और एक फाइन लेग को स्क्वेयर लेग रखा गया है। चार लड़के ऑन पे हैं और बाकी सारे ऑफ पे हैं। डायमंड सामना करेंगे बॉलर का, आराम से गेंद को धकेल दिया, सिंगल होना चाहिए था लेकिन कोई रन नहीं। डायमंड सामना करेंगे बॉलर का, कट खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए और गेंद बीट हो गए सीधा बॉल कीपर के हाथों में और
डायमंड अगर थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे बॉडी को लेके आए तो आराम से सिंगल दे सकते हैं शहबाजी को, और जो कि फॉर्म में है अगर आदमी सही टेक्निक बॉल गेंद करेंगे और डायमंड्स का सामना करेंगे ये चीज करनी होगी। और एक अच्छा सिंगल, तीन गेंदों में एक रन बना है। तो अब फेस जो है वो शहबाजी को रखना होगा। स्कोर 162 हुआ है। बॉलर गेंद करेंगे शहबाजी को, बॉलर आए गेंद की, शहबाजी ने अच्छा कवर पे मार दिया लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। एक रन, दो रन के लिए नहीं, एक अच्छी फील्डिंग का मजारा, यकीनी ये चार हो सकता था लेकिन एक अच्छी फील्डिंग है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और एक ही रन बना है। डायमंड सामना करेंगे, चार गेंदों में दो रन बना है। बॉलर आए गेंद की और ये फड़फड़े, ये अच्छा इनसाइड एज लगा था और एक अमदाद फदाई अमदाद थी है, जबकि इनसाइड एज था, कीपर बीट हो गए और एम्पायर का इशारा, चार रन एम्पायर ने बाई नहीं दिया है और स्कोर बढ़ता हुआ 167। आखिरी बॉल होना चाहिए शायद ये, बॉलर आए गेंद की और ये गेंद को उठा के फेंक दिया लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। एक ही रन बनेगा, दो रन के लिए शहबाजी भाग पड़े हुए हैं। डायमंड को तेजी करनी होगी और ये दो रन वापस 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 चलो स्कोर 169 और इसके साथ ही नॉर्वे की इनिंग्स का इख्तिताम होता है। नॉर्वे ने टारगेट दिया है 120 रन का और अब ये एक ऐसा स्कोर है जो कि फाइटिंग स्कोर होगा और नॉर्वे को ये मैच लाजमी जीतना चाहिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम दोबारा आपको ये मैच दिखाएंगे। पहला बॉल होगा, आमिर फौजी गेंद करेंगे, टारगेट 169 का दिया है, 170 करना होगा। पहला बॉल होगा जबकि आमिर फौजी करेंगे, बैट्समैन उसका सामना करेंगे। आमिर आए गेंद की, एक अच्छा बॉल था और अंदरी अंदर का एक किनारा लगाया और स्क्वेयर लेग की तरफ बॉल गया है और एक रन। एम्पायर कुछ कहते हुए आमिर को कि थोड़ा अंदर हो रहे हैं, आमिर बॉल दिखाते हुए कुछ सलाई हो सकता है, उबरी हो या कुछ, कोकोबोरा में अक्सर ऐसे फाइल हो जाते हैं। आमिर दूसरा गेंद करेंगे, आमिर आए गेंद की, ड्राइव कर दिया है वहां फील्डर मौजूद, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। बॉलर गेंद करेंगे डाउन द लेग साइड लेकिन ऐसा लगा है कि वो काफी क्लोज विकेटों से गया है। एम्पायर बिल्कुल खामोश। एक और अच्छा आमिर का बॉल, तीन गेंदों में एक रन बनाया है। आमिर गेंद करेंगे, बैट्समैन उसका सामना करेंगे। आमिर आए गेंद की और दफाई दाद में खेल दिया और एक अच्छी बॉलिंग का मजारा कर रहे हैं आमिर। आमिर गेंद करेंगे, ड्राइव खेल दिया और यकीनी चार रन होना चाहिए, ये चार रन। मैदान पे सफान मौजूद थे लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं, पूरा ब्लेड शॉट था, तेजी के साथ बाउंड्री क्रॉस कर गया और चार के रन के साथ पांच रन। एक बॉल आखिरी होगा, सॉरी आखिरी एक बॉल होगा और स्कोर 5 रन। आमिर आए दफाई दाद में खेल दिया और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। एक अच्छा स्टार्ट नॉर्वे का और पहले ओवर में 5 रन। There is a second over of this match between Norway versus Gibraltar. Gibraltar is batting and Mr. Diamond is running
ready to running from the city end, and the face batsman is number 15. So deep gully, here is coming Mr. Diamond from the push the ball, stay to the deep cover and take a comfortable single. 6 runs on the board. So second over is now proceeding. So there is a feed, long on, long off, rather little bit up, deep cover, point, deep gully. Here is coming Diamond, full toss, stay to the again field at the same, deep cover and take another single, 7 runs on the board. So wicket keeper is well behind, Mr. Safir Hayat, fine leg, short leg, wide speed wicket close. Here is coming Diamond, well bowled, batsman is little bit trouble, but stay to the field. In the meantime, mid off fielder taken, given to the bowler. One third man deep on the line, point, deep cover, again outside edge, but stayed the fielder, well stopped by Mr. Safian, Mr. Amir Wahid, and take another single. The score is 19 on the board. So the second over proceeding, match between Gibraltar versus Norway. Here is coming Diamond from Norway, from city end, coming full toss, but stay to the fielder again, and in the meantime the batsman has completed another single. So the score is 10th on the board. So the last ball of this over is coming from the city end. Here is coming Mr. Diamond, well bowled, flighted, but where the batsman has well judged the ball, playing in the forward, no runs. So 10 runs on the boards, second over completed. Over to Mr. Manavar MSIS. Sir, thank you. Amir gain karenge, teesra over hoga, do over mein 10 run hai. आमिर गेंद की, ये तो फाइन दाद में खेल दिया, एक अच्छी बॉल आमिर का पढ़कर अंदर आया था, और वरना अगर कहीं ये पैड पे लग जाता तो लाजमी प्लेयर का आउट होने का खतरा था LBW. तो एक अच्छा बॉल आमिर का. आमिर गेंद करेंगे, देखिए जी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आमिर आए, गेंद की आगे निकल के मारा जा रहे थे, टोटल बीट हुए. एक अच्छा बॉल था आमिर का, और बिल्कुल बैट्समैन प्लान के मुताबिक आगे निकले थे, उसको खेल नहीं पाए, और एक अच्छा बॉल, दूसरा डॉट बॉल होगा आमिर का. ये काफी क्लोज लग रहा है कि बैट्समैन जाने की तैयारी करना चाह रहे हैं. एक और अच्छा बॉल धकेल दिया ऑन की तरफ, वहां पर आबिद को भागना होगा, एक रन होगा ये, और एक रन, एक अच्छी फील्डिंग आबिद की, और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 2.3 बॉल में अब तक. आमिर गेंद करेंगे और बैट्समैन उसका सामना करेंगे. आमिर गेंद की आराम से बाहरी किनारा लगाया, थर्ड मैन की तरफ बॉल गई है, वहां पर इफ्तखार मौजूद थे, और सीधा बॉल कीपर के हाथों में, और एक रन. आमिर आए, गेंद की, एक अच्छा बॉल, गली में एहतशाम मौजूद है, और किसी रन का कोई इजाफा नहीं, अब तक सिर्फ 2 रन बने हैं, और अब तक अच्छी बॉलिंग का मलारा कर रहे हैं आमिर. सेम 12 रन हुए हैं, और इस गेंद को आखिरी बॉल होना चाहिए ओवर का. आमिर गेंद करेंगे और बैट्समैन उसका सामना करेंगे.
डाउन द लेग साइड बॉल था और पैडों पे लगा है और फाइन लेग की तरफ गेंद गया और एक रन बनेगा। एक अच्छा ओवर आमिर का और 13 रन, 3 ओवर कोई लड़का आउट नहीं। ठीक है, 13 तो अभी तक एक अच्छा स्टार्ट होगा, एक दबाव होगा और इस दबाव को बरकरार रखना होगा नॉर्वे को अगर वो ये मैच जीतना चाहता है। द फोर्थ ओवर इज गोइंग टू बॉल फ्रॉम द सिटी एंड मिस्टर डायमंड का बॉल बॉलिंग टू 15 नंबर। बॉल वॉज फंबलिंग ओवर द विकेट कीपर हैंड्स एंड टेक ए सिंगल, सो वन मोर रन्स टू 14 रन्स ऑन द बोर्ड। So very good progress by Norway, fourth over, very economically position and they are in a good position. So Diamond is and Mr. Amar, both the bowler has very economical bowling, not give any but beaten all the way, beaten beautiful ball by Mr. Diamond. So good ball to wicket keeper. So no more runs. So Mr. Safir is fine leg, short mid wicket, wide-ish mid wicket, long on, rather close. Mr. Diamond coming from the city end, bowled to 15 number, beautiful ball, collects himself, no runs. Again, very good bowling by Norway, Mr. Diamond and Mr. Amar Wahid. Beautiful bowling, both the bowler has just given 14 runs so far in fourth over is proceeding and I think three ball is left and this is a good position. Norway has a nice economical bowling, good bowling, but this time the batsman has given a birdie and beautiful cover drive all away the 4 runs. So 4 more runs, 18 runs on the board. So this time the batsman has taken 4 runs. So the position is 18 runs on the board. Fourth over is proceeding. Still yet to bowl, complete the over. Here is coming, Mr. Diamond. Here is coming. Beautiful ball. Defensively played by the bowler. No runs. So good bowling. One third man deep. On the line, Mr. Amar, Mr. Shahbaz Bhatt, deep gully, point, deep cover. Here is coming, I think the last ball of this over. Here is coming, Diamond. Beautiful play, wrapped on the pad, not connected properly. And in the meantime, the batsman has taken 1 more run. So 19 runs on the board, fourth over is completed. In a good position and good economical bowling both the bowlers. Thank you. बॉलिंग में तब्दीली हुई है, आबिद गेंद करेंगे और एक अच्छा टैलेंट नॉर्वे का आबिद आए गेंद की, एक अच्छा बॉल था और किसी रन का कोई इजाफा नहीं, गेंद पॉइंट की तरफ गया था। 5 ओवर, एक अच्छा टैलेंट इस सीरीज में आबिद हमें नजर आया जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की हैं और नपीतुली गेंदे करते हैं, तेज भी करते हैं और यॉर्कर भी इसमें शामिल है, स्लो डिलीवरी भी है। तो आबिद गेंद करेंगे, आबिद आए, डाउन द लेग साइड बॉल था और काफ़ी क्लोज विकेट के गया है, एम्पायर बिल्कुल खामोश, ये डॉट बॉल था और डॉट बॉल। जितनी डॉट बॉल होंगी उतनी खतरे की घंटी होगी जिब्राल्टर के लिए। हेलो, स्कोर 19 रन कंप्लीट, अभी तक 4 ओवर कंप्लीट हुए हैं और तीसरा बॉल होगा आबिद का। ये एक अच्छा बॉल था तो फाइन दाद में खेल दिया और ये रन आउट होने का खतरा है, लेकिन प्लेयर ने कहा कि वापस जाना होगा। एक और अच्छा बॉल आबिद का, एक टॉट बॉल, आबिद सिक्स मैन ऑन द ऑफ साइड गेंद करेंगे और आबिद आए, एक अच्छा बॉल था यार का था लेकिन गेंद गैप से गया, लेकिन मिसफील्डिंग हुई है संतोष से, चंदू को तेजी करनी होगी। 1 रन और ये 2 रन, संतोष जिन्होंने डाइव मारी थी लेकिन गेंद फिर भी निकल गया और चंदू ने बाउंड्री लाइन पे गेंद को पकड़कर 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 21 और अब तक का अच्छा ओवर आबिद करा रहे हैं, सिर्फ 4 गेंदों में 2 रन दिए हैं उन्होंने।
आबिद बॉल करेंगे और बैट्समैन इसका सामना करेंगे। गेंद को धकेल दिया गली की तरफ, एहतशाम वहाँ मौजूद है और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। छह लड़के ऑफ पे लिए हैं, तीन लड़के ऑन पे हैं और काफी घेरा डाला हुआ है। लाइन टू लाइन पे बॉल हो रही है आबिद की तरफ से, एक अच्छा बॉल, गेंद को धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, रन होने का खतरा हो सकता है। ये काफी संतोष वहां मौजूद है, एक अच्छी फील्डिंग थी संतोष की और शॉट ओवर। अगर ये डायरेक्ट होता तो क्लोज मामला हो सकता था। एक बहुत अच्छा ओवर आबिद की तरफ से, सिर्फ तीन रन दिए हैं और पांच ओवर में 22 रन हुए हैं और कोई विकेट अब तक नहीं गिरा है। 4.2 फ्रॉम मिस्टर डायमंड बॉलिंग वेरी सेंसिबली, बट दिस टाइम बॉल वाज जस्ट द बैट्समैन पुश द बॉल टू द कवर रीजन एंड टेक अ कंफर्टेबल सिंगल। मिस्टर डायमंड कंटिन्यूज फ्रॉम द सिटी एंड बॉलिंग इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम द सिटी एंड, सो ही इज अ वेरी इफेक्टिव बोथ द बॉलर has given no liberty to the batsman and here is coming Mr. Diamond down the wicket, but this time ball was cross over the boundary for run, just like a bullet bat outside the edge of the middle bat and a beautiful shot to the cover point. So four more runs, 25 runs on the board, 27 runs on the board. Here is coming Diamond. Beautiful ball, collect himself, no runs. Difficult to play for the batsman. Batsman is, but they're coming behind the line of the ball. Just push the ball straight to the bowler himself. Here is coming Mr. Diamond. Coming from the city end, down the wicket, but this time between between mid on and the wide-ish mid wicket, and the ball fell stop. No, the ball was just cross over the boundary. Four more runs, so 31 runs on the board. So sixth over is proceeding and this over they have got 2 fours. Here is coming Mr. Diamond again over the head of the, I think it should be out, and he is out. Mr. Diamond is lucky to get a very good wicket, and the first wicket down, Gibraltar has 21, the first wicket down. So sixth over is not yet completed. Here is coming Mr. Diamond. The new batsman is facing number 13. Is facing 13. Here is coming Diamond. Beautiful shot. But this time again, ball was missing the fielder. So ball going cross over the boundary for more runs. So this over is completed. Sixth over is completed. Score is 35 and one wicket down. So Norway is a good position. So far, so good. 35 score है, 6 जो दायरा है वो खत्म हो गया है। आबिद गेंद करेंगे, न्यू बैट्समैन आए हैं। ड्राइव कर दिया है और वहां चंदू मौजूद है, रन आउट होने का खतरा है। और अगर ये डायरेक्ट लगता तो लाजमी बाहर का रास्ता हो सकता था। बाल बाल बच गए बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ 37। खूबसूरत आवाज देखी बल्ले की, क्या आबिद गेंद करेंगे। आबिद आया डाउन द लेग साइड पैड से, गेंद को हल्का सा फाइन लेग की तरफ धकेल दिया। डायमंड वहां मौजूद हैं और एक लेग बाई का इशारा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 38। 6 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां ओवर। गुड बॉलिंग बॉय। दो गेंदों में अब तक 3 रन बने हैं। आबिद गेंद करेंगे, गुड बॉल,
आराम से देख लिया, रन आउट होने का खतरा हो सकता है, ये डायमंड में मौजूद है, उनको वापसी करनी होगी और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। तब्दीली की गई है मेडाफ को, मेडाउन को डीप किया है चंदू ने, मेडाउन और मेडाफ दोनों को डीप किया है। आबिद गेंद करेंगे, आबिद आए आराम से धकेल दिया गली में, रन आउट। अगर वो ये रन लेते तो खतरा हो सकता था, क्योंकि तेजी के साथ आए थे एहतशाम, गेंद को अपने हाथों में थाम लिया और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अब तक अच्छी गेंदें फेंक रहे हैं आबिद, दो डॉट हुए हैं और दो गेंदों में तीन रन बने हैं। आबिद आए, एक अच्छा बॉल था, दफाई अंदाज में खेल दिया, उसको वैसे ही इज्जत दी बैट्समैन ने, जितना अच्छा बॉल था और स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 38 रन, पांच गेंदें आबिद अब तक फेंक दिए हैं और तीन रन बने हैं। आबिद गेंद करेंगे, काट खेलना चाहते थे और कामयाब नहीं हुए, और एक बहुत अच्छा ओवर, सिर्फ तीन रन बने हैं, एक डबल बना एक सिंगल बना और एक अच्छा ओवर, सात ओवर कंप्लीट हो गए हैं और 38 स्कोर है जिब्राल्टर का, और एक लड़का अब तक बाहर का रास्ता देख चुका है। सात ओवर कंप्लीट। There is bowling change from the city and Mr. Shahbaz Bhatt is coming. Bowl to number 17. Little bit quick, but didn't mean the batsman has taken one more run. So 39 runs on the board. Seventh over is just completed and over eighth over of the proceeding. And the fielder is going to wide-ish mid-wicket deep on the line. Long off, long on, very close, flighted delivery, but this time there is no fielder, and in the meantime they have taken two very good runs, and I think there should be fielders, short mid wicket or wide mid wicket should be, and now again deep square leg, deep mid wicket, again beautiful shot, but this time is going to stay to the fielder, one more run. So 42 runs in eighth over. So this batsman is very aggressive, down the wicket, and it should be, I think fielder was little bit lazy, but ball was going in the side of left hand, left side, and cross over the boundary, four runs. So 46 runs on the board. So first four of this, again good shot, this time again this ball is between two fielder and ball was cross over the boundary, four more runs. So 50 runs on the board. So eighth over is proceeding and there is a sunshine, little bit sun is coming behind the clouds, and again ball was quicker and straight to the fielder, no runs. So eight over completed, 50 runs on the board, one wicket down. Over to Munawar Ahmed Sayyid, and thank you. सफीर हयात तब्दीली हुई है, सफीर हयात गेंद करेंगे, आप इसकी जगह आराम से गेंद को धकेल दिया, वहां पर डेमन मौजूद है, रन आउट होने का खतरा है। ओ अगर डायरेक्ट होता है तो लाजमी बैट्समैन आउट हो जाते हैं, लेकिन बाल बाल बच गए, एक अच्छा बॉल सफीर हयात का और एक ही रन बनाया। वेल बॉल्ड सफीर गेंद करेंगे, ऑन पे खेल दिया, फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन होना चाहिए, आबिद है वहां पर और एक रन। 50. हमारे बराबर मेजर साहब खड़े हुए हैं जो कि निथिंदो खेल रहे हैं और वहां क्रिकेट लगी हुई है, देखते हैं कौन जीतता है, नॉर्वे जीतता है या निथिंदो। सफीर गेंद करेंगे, आराम से धकेल दिया है और वहाँ
एहतशाम मौजूद हैं और एक रन अब तक तीन बॉलें हुई हैं सफ़ीर की और तीन रन बने हैं और स्कोर 53 हुआ है। 8 ओवर कंप्लीट हो गए हुए हैं, 9 ओवर ये चल रहा है। सफ़ीर गेंद करेंगे, सफ़ीर आए गेंद के आगे निकल के मारना चाह रहे थे वहाँ पर और वहाँ फील्डर मौजूद नहीं है। 4 रन होना चाहिए और ये 4 रन, गली से बॉल निकला था, गली वहाँ नहीं दी गई और गेंद बाउंड्री के पार। स्कोर बढ़ता हुआ 57, एक ही लड़का आउट हुआ है अब तक। सफ़ीर गेंद करेंगे, गेंद को उठा के वहाँ लंबा मारना चाहते थे लेकिन 2 मीटर पहले गिरा है। सुफियान वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने गेंद को अपने हाथ में थामा, सीधा फील्डिंग की। स्कोर बढ़ता हुआ 58। शाबाश शाबाश, ठीक है। सफ़ीर गेंद करेंगे, खींच के रख ये, नहीं नहीं और एक और अच्छा शॉट, गली से गेंद फिर 4 रन। ये दूसरा चौका गया है, कप्तान थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, उनको नजर होनी चाहिए कि बॉलर अगर अपनी जगह पे गेंद नहीं फेंक रहे तो फील्डर लाजमी लें गली को ताकि इन 4 को सेव किया जाए। स्कोर बढ़ता हुआ 62 और 9 ओवर की समाप्त हो गई है। शबाल बैट कमिंग फ्रॉम द सिटी एंड बॉलिंग, ओए 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 ओए, जस्ट रिवर्स स्वीप एंड इन द मीन टाइम द बैट्समैन हैज टेकन सेकंड कंप्लीट, सो 64 रन्स ऑन द बोर्ड, 11th, 8th ओवर इज, 10th ओवर, 10वां ओवर, 10वां ओवर चल रहे हैं। 10th ओवर इज is proceeding and now it's take a miscued by the fielder and good throw by the fielder, but in the meantime batsman again complete the second runs, so 66 runs on the board. So number 7 is a little bit aggressive. Here is coming Mr. Shahbaz, the third ball of this over. First 2 balls, they have given 4 runs down the wicket and missing bowler himself. And in the meantime, the batsman has completed another single, 67 on the board. So 5 runs scored so far this over. Good ball by Mr. Shahbaz. Collect himself. Going to his bowling mark. Here is coming Mr. Shahbaz. Just tried to sweep, but not power behind. Ball was going to long on short wide mid wicket and take a comfortable single. And this 6 runs has already been bowled. Scored by this over. Beautiful. Oh, look at the big chance has been dropped by the wicketkeeper. Big chance, and that was a very drastic for Norway because this wicket is a very productive wicket for Gibraltar. Now complete the 10th over, and score is 68. बॉलिंग में तब्दीली हुई है, सफियान आए हैं सफ़ीर हयात की जगह और गेंद करेंगे सिटी एंड से। आराम से गेंद को धकेल दिया, सिंगल होना चाहिए, शवादी देदी के साथ आए हैं लेकिन एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जिब्राल्टर क्रिकेट क्लब की तरफ से। स्कोर बढ़ता हुआ 69। गेंद करेंगे सुफियान, सुफियान आए पीछे मारना चाह रहे थे और ये आउट होने का खतरा है और ये आउट, और ये आउट, बहुत खूबसूरत
कैच अबित का ऑन द लाइन खड़े हुए थे, हाथ काफी ऊंचे किए उन्होंने, यकीनी ये छह होना चाहिए था और नॉर्वे की ये एक अच्छी कामयाबी के खूबसूरत कैच अबित का। और ये कैच इतना आसान नहीं था, ऑन द लाइन काफी ऊंचा कैच था, हाथों को काफी बुलंद किया और गेंद को अपने हाथ में थाम लिया। और एक और झटका जिब्राल्टर क्रिकेट क्लब को, दो लड़के आउट होके बाहर का रास्ता और स्कोर 69 हुआ है और 10 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और 11वां ओवर कंटिन्यू है। सुफयान गेंद करेंगे और कट खेलना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को धकेल दिया। संतोष वहाँ मौजूद है, उनकी थ्रो खूबसूरत थ्रो होती है और ये एक अच्छी थ्रो का मजा आ रहा है और एक ही रन बनेगा। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, चार गेंदों में अब तक 3 रन दिए हैं और एक विकेट सुफयान ने ली है जिसका कैच आबिद पठान ने पकड़ा था। पहली गेंद को इतनी देखो नजर आ रही है उसका। सुफयान गेंद करेंगे, सामना करेंगे बैट्समैन उनका और डाउन द लेग साइड गेंद था वहां पर, फौजी आमिर वहां मौजूद हैं और एक ही रन बनेगा और एक रन, स्कोर 71। भाजी ये बैट्समैन जो है ना डेंजर नहीं है उधर, ये वही है। सुफयान आए, गेंद की आगे निकल के कट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा आउट होने का खतरा है, ये तेजी करनी होगी। अच्छा एक चीज देखिए इसमें और एक अच्छा सिंगल, जिस बारी मात्र बल्ला ऐसे होता है इसका बल्ला बड़े क्लोज टू द बॉडी, दैट वाज अ मार्वेलस, बहुत बेसिक नहीं हो सकता। सुफयान आखिरी बॉल करेंगे अपना, 72 स्कोर हुआ है। एक अच्छा बॉल था और आराम से धकेल दिया है। फर्स्ट टाइम यार आंसर वहां मौजूद है और एक रन और एक अच्छा ओवर, 73 स्कोर हुआ है और 11 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और दो लड़के आउट हुए हैं। कौन स्कोर ही बचा है, इस ओवर में 5 हुआ ना, कौन है असल ग्राउंड ये है जिसके अंदर किया गया। मिस्टर शहबाज बट फ्रॉम द सिटी एंड हियर्स बॉलिंग बैट्समैन ब्यूटेड बिटन इन द एयर, ब्यूटीफुल बॉल बाय मिस्टर शहबाज, तेरे लिए आ रहा बॉल बस द बैट्समैन सही जगह तो ले आ स्टैंड, हियर इज कमिंग मिस्टर शहबाज फ्रॉम द सिटी एंड बैट्समैन डाउन द विकेट बट लकी नॉट टू गेट एनी रन्स एनी, सो विकेट कीपर क्विकली पिक द बॉल थ्रू द बॉलर्स, नो रन्स, डेंजरस मैन आउट हो गया बस। सो फर्स्ट टू बॉल हियर इज कमिंग गुड बॉल down the wicket, very good throw, beautiful throw by Mr. one more runs, 74 runs on the board, so the new batsman is coming, the crease taking his guard, batsman ready to bowl, number 9, there is coming Mr. Shabal Bhatt, down the wicket, beautiful ball, very good ball and good throw but lucky not to get out. Shabash yaar. So here is coming Mr. Shabaz, is this over is very economically very good over. Here is coming number 13, good ball down the wicket, was stay to the keeper, no runs, very good bowling by Shabash. Score rokna hai, score. So 75 runs so far. Good ball. Just push the ball to the mid-on. And in the meantime, the batsman complete the single. A good over by Mr. Shabaz. Very economically. 76 runs on the board. So 12th over is completed. And over to Munawwar Ahmed Sayed. Shabaz, Sufyan, Shabaz. Good bowling. सुफयान गेंद करेंगे और सामना करेंगे बैट्समैन, पॉइंट की तरफ धकेल दिया है, वहां साइम डायमंड भागते हुए आए थे और एक ही रन का इजाफा होगा, एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 7-7। 12 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और ये पहला बॉल था सुफयान का, दूसरा बॉल करेंगे, निकल के खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं और बॉल सीधा कीपर के हाथों में, कीपर को आप उत्तर नहीं आना चाहिए, देखो ना ये बैट्समैन निकल के खेलता है। सुफयान का एक अच्छा बॉल, सुफयान आए गेंद की फिर खेलना चाहते थे वहां पर और एक्स्ट्रा कवर पे संतोष मौजूद है, तेजी से आए हैं और एक ही रन का इजाफा होगा और एक अच्छी थ्रो
संतोष की, सीधा कीपर के हाथों में और तीन गेंदों में सिर्फ दो रन और तकरीबन 12 रन की एवरेज है। दिल्ली काफी दूर हो रहा है आस्ता आस्ता जिब्राल्टर के लिए। ऑन पे खेल दिया है, अनशर्मा मौजूद है डीप ऑन पे और एक ही रन बनेगा और इस एक रन के साथ 79 स्कोर हुआ है। विकेट आप मिलेगी। सफियान गेंद करेंगे, सफियान आए पीछे से खेल दिया गेंद को लेकिन एक्स्ट्रा कवर की किस तरफ खेल दिया है, वह स्लिप हो गए वहां पर संतोष और यकीनी ये दो रन होने चाहिए और दो रन पकड़ना जा रहे थे, पैर उनका स्लिप हो गया और दो रन के साथ स्कोर हो गया। उधर विकेट 81 सफियान गेंद करेंगे, आबिद सफीर आए तेजी के साथ और एक ही रन बनेगा और एक और अच्छा ओवर। 82 स्कोर हुआ है, 13 ओवर कंप्लीट हुए हैं और काफी लंबी सीढ़ी बनती जा रही है और थोड़ा सा स्ट्रगल करनी होगी अगर ये मैच जिब्राल्टर जीतना चाह रहा है, लेकिन नार्वे पूरा फाइट करता हुआ लाइन और रन को बरकरार रखते हुए और उनके लिए मुश्किलात डालते हुए, तो अब देखना होगा चंदू गेंद करेंगे और 90 रन Chandu. Is coming, the last over of Mr. Shabab Bhatt from the city and 7 over is just left. Down the wicket and try to hit the log but only take a single. This batsman tried to hit the ball but not properly hurled it. Ball was going to the mid-wicket. Wicketkeeper collect himself. Now one more runs, 83 runs on the board. Here is coming. Down the wicket and it's a very simple catch taken by Mr. Iftikhar and the one wicket again down, so third wicket is down. Answer taken by Answer has taken this catch, very simple catch, so three wicket down. Gibraltar in a bad position, not in a bad but in a very critical position. Just 7 over is complete. Now the new batsman number 9, Mr. Chandu, is very effective bowler. Down the wicket and stay to the fielder, bowler himself, and takes no runs. Here is coming Mr. Shabal Bhatt. Try to cut the ball but not proper hold it straight to the extra cover. One more runs, so 984 runs on the board. So Chandu, Mr. Shabal Bhatt has a last over. And very effective. He has so far taken two good wickets, and that is a very nice wicket by Mr. Shabbas. So ready to bowl. A new batsman is taking guard, looking around the field. No. Here is coming Mr. Shabal Bhatt, coming from the batsman, just given the respect. Defensively played, but in the meantime to take a single and one more runs, 85 runs on the board. So 14th over is proceeding. So very good performance by Norway. Here is coming Mr. Shabal Bhatt. Down the wicket and try to hit the ball over the long on. 6 more runs. So 91. So 14 over completed, just 6 overs completed, so just 6 overs left, and Norway has in a commanding position, but we. Sofyan gend karenge, batsman uska samna karenge. एक अच्छा बॉल, गेंद कांटों के अंदर आया, बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आया और बॉल सीधा कीपर के हाथों में। स्कोर 91 है और 6 ओवर अभी हैं और 14 ओवर कंप्लीट हो गए हैं। सफियान आए गेंद की, आराम से गेंद को धकेल दिया, धकेल दिया थर्ड मैन की तरफ, एक ही रन बन पाएगा और एक रन। स्कोर बढ़ता हुआ 92। अच्छी बॉलिंग का मजारा हो रहा है सुफियान की तरफ से, कोई गेंद अंदर कर देते हैं और कोई गेंद बाहर कर देते हैं, बैट्समैन को समझ नहीं आती है।
सफियान आए गेंद की आगे निकल के मारा है, वहां फील्डर मौजूद है, एक रन बनना चाहिए। एक बहुत अच्छी फील्डिंग का मजारा सफीर की तरफ से, यकीन ये चार हो सकता था। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93। शाबाश 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 शेरू है, काट जरा। गेंद करेंगे सुफियान, सामना करेंगे बैट्समैन उनका, आराम से गेंद को धकेल दिया फाइन लेग की तरफ, वहां तेजी करनी होगी, तेजी से भागना होगा और एक ही रन बने का अभी तेजी से भाग कर आए थे वहां पर, और एक रन। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 94 और 14 ओवर कंप्लीट हो गए, 15वां ओवर चल रहा है ये और इसके बाद 5 ओवर होंगे। कीपर को ऊपर बुलाया गया है, पहली बार हमें देखने को मौका मिल रहा है कि कीपर को यूज किया जा रहा है ऊपर और उसके कदम को रोका जा रहा है, वो जो निकल के खेलते हैं। सुफियान आए गेंद की और ये ऑन पे खेल दिया, लेकिन ये चार होना चाहिए, चार रन। गेंद काफी पीछे गिरा था, बैट्समैन ने कोई गलती नहीं की, बेस को बनाया और मिड विकेट की तरफ गेंद को धक्का दे के बाहर फेंक दिया, चार रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन। ये 15वां ओवर है, ठीक है। जिस तरह सुफियान आए गेंद की और ये आउट होने का खतरा है, वहां पर तेजी का नहीं होगी लेकिन कोई मौजूद नहीं था और एक रन। बॉलिंग यार बच्चे, बॉलिंग शाबाश शाबाश। स्कोर 99-71 स्कोर चाहिए, 5 ओवर पड़े हुए हैं, 15×5=75, 14 ओवर की एवरेज है और ये काफी मुश्किल है, मुश्किल में लग रही है। जिब्राल्टर इतना आसान टास्क नहीं होगा, इसमें काफी स्ट्रगल करनी होगी आपको। और जबकि 2 ओवर आमिर फौजी के और 2 ओवर आबिद के अभी तक मौजूद हैं। बॉलिंग में तब्दीली हुई है और सफीर हयात को लाया गया है। नाउ देयर मिस्टर सफीर हयात कमिंग फ्रॉम द सिटी एंड द बॉलिंग चेंज मिस्टर शबाज बट वेरी इफेक्टिव बॉलर। He has taken 2 very good wickets and he has completed his bowling. Mr. Safir Hayat from City and coming. That hit the ball to the mid wicket and take a comfortable single. And very first ball he has taken 1 runs. So Gibraltar has completed 100 runs in 16th over, is still proceeding. And 3 wickets down, here is coming Mr. Safir Hayat. Past the umpire, beautiful ball, beautiful ball. It should be very outside edge. Very lucky batsman not to get out. So this is 100 runs on the board. 16th over is proceeding. Mr. Hayat, Mr. Safir is bowling very effectively. So far, so good. But let us see the third delivery of this over. That is a marvelous. Again, batsman missing the shot. Over pitch, almost over pitch, but lucky not to get any runs. So the ball is going to wicket keeper. No runs. So 3 ball. So far he has bowled without any runs. 100 runs. In 16th over, here is coming Mr. Safir Hayat. Down the wicket, batsman, but a little bit outside the off stick. Little bit outside the off stick, collect the wicket keeper, ball, throw to the extra cover, and deliver to the batsman, to the bowler. Here is Safir Hayat, turned back, coming, past the umpire. Again outside the off-stick, this time the umpire has no hesitate to give him the white ball. So one more runs. Shabash. So 100-101 for the loss of 3 wickets. 16th over is proceeding. Mr. Hayat is very, very economically very effective so far. Yes, Mr. Safir Hayat. Batsman is trying to cut the ball, but this time batsman coming outside the crease of the outside the off stump, but this time umpire has not given any white ball, but ball was very wide out of reach of the batsman. So I think this is the 5th ball of this over. Last over. So no runs has been scored, only 1 runs. This time
well stopped by the third man, deep third man outside edge, and take a comfortable single. Good over, yaar. So good two over, runs good only over. Coming in this over. 16 over completed 100. Two runs. So over to Munawwar Ahmed Sayed. गेंद को उठा के बाहर फेंक दिया, यकीन नहीं है, 6 रन होना चाहिए ये। चार रन, पहला बॉल तो आमिर का ये, और खालिद साहब का कहना था कि चोई साहब तुसी गेंद मुंह तो दे देती है, उन्हें चुक के बाहर छोड़ देती है, तो ओवर पिच बॉल था और बैट्समैन ने कोई गलती नहीं की और चार रन। आमिर गेंद करेंगे और बैट्समैन उसका सामना करेंगे, आमिर आए गेंद की, नो बॉल था, यकीनी है 6 होना चाहिए ये, 6 रन। अंदर बॉल कर रहे हैं चौधरी, नॉल ही फ्री शॉट ही मिल गई है, आउटसाइड दी आउट स्टिक रखी जाए यार, काफी महंगा पड़ रहा है नॉर्वे को ये, एक बॉल में 11 रन बन चुके हैं, अब ये दूसरा बॉल होगा, आमिर को थोड़ा लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना होगा, और एक खूबसूरत शॉट थी बैट्समैन की, नो बॉल था, आमिर गेंद करेंगे, सामना करेंगे बैट्समैन उनका, आमिर आए गेंद की, गुड बॉल, एक अच्छा बॉल आमिर, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड कम बैक आमिर की तरफ से, और हालांकि ये फ्री हिट था, लेकिन 113 स्कोर हुआ है और इसके बाद 3 ओवर होंगे, आमिर गेंद करेंगे, आमिर आए गेंद की, सीधा खेल दिया है और एक रन बना है और स्कोर बढ़ता हुआ 114। बारह रन अब तक हो चुके हैं इस ओवर में, आमिर गेंद करेंगे और बैट्समैन उसका सामना करेंगे, तीन चार ओवर आमिर आएगा, अच्छा यार कर बॉल था, खूबसूरत बॉल थी, लेकिन फिर भी खेल दिया उसको, और एक रन बनना चाहिए, वहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग मैडॉन पे, और स्कोर बढ़ता हुआ 1-5, 115 स्कोर हुआ है, बोल दे दे, और ये 17वां ओवर है, अब 2 गेंदें और होंगी आमिर की इस ओवर में, आमिर गेंद करेंगे, आमिर आए गेंद की और फील्डिंग का मजाहरा, इस गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन सुफियान काफी हाइट पर खड़े हुए थे, इस गेंद को रोकना चाहते थे, गेंद नीचे से निकल गया 4 रन के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन, 51 स्कोर चाहिए इसके बाद 3 ओवर होंगे, इस ओवर का आखिरी बॉल होगा आमिर का, आमिर आए गेंद की और एक अच्छा ड्राइव मार दिया, वहां पर एहतशाम मौजूद है और एक अच्छी फील्डिंग का मजारा, 50 रन करने होंगे 3 ओवर में, और पहले ओवर का कोटा, पहले ओवर के जो 18 रन थे वो कंप्लीट कर लिए इन्होंने, 16 की एवरेज, और 50 रन चाहिए 3 ओवर के अंदर, जेंटलमैन, अरे जस्ट 3 ओवर्स लेफ्ट एंड दे नीड 50 रन्स मोर टू रीच द टारगेट, हियर इज कमिंग बॉलिंग एंड मिस्टर आबद आउटसाइड एज, बट बॉल वाज गोइंग to the third, deep third man, 4 runs, the very first ball they have got 4 runs, so 1-2-4 for the loss of 3 wickets, and the 18th over is proceeding, the 17th over is proceeding, no, 18th over is proceeding, the first ball has scored 4 runs, so let us see what is happening. Here is coming Mr. Abid Khan. Good ball, wrapped on the pad. Should be... Botala Abid! But bowler coming himself to pick the ball, no runs. Here is coming. Very excited, very fascinating match between Gibraltar and Norway coming.
Mr. Abed Khan, Mr. Ahmed Safi from City and Coming. Beautiful ball. Bowler himself stopped the ball his own feet. Successfully picked the ball, no runs. That's a very nice progress so far. Only first four, that was outside edge, and they are got four runs. So 124 for the loss of three wicket. Good ball, and that should be Santosh. That should be only taken one run, but ball was very short to the fielder, and there is no chance to hold the catch. So one more run, 125 runs on the board. 125 for the loss of three wickets. Here is coming Mr. Abbott. Beautiful shot, but I think should be stopped by the long arm fielder. One more run. So far, six runs have been scored in this over, and one score is 126. So let us see. Lot of people around the ground enjoying this beautiful match. Covered blaze, blazing. Beautiful shot. But stay to the midwick. Extra cover. Good over by Mr. Abed. And now it is a commanding position. Norway has commanding position. And over to Mr. Munawar Ahmed Sayed. 43 स्कोर करना है और दो ओवर पड़े हैं, दो ओवर में 43 स्कोर करना होगा और बॉलिंग में तब्दीली की गई है और सफीर हयात को लाया गया है और पहला गेंद करेंगे, निकल के गेंद को फेंक दे, यकीनी ये छह होना चाहिए, ये छह रन आगे बढ़े थे और गेंद को उठा के बाहर फेंक दिया छह रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 133 एवरेज वास्ते। पहला बॉल सफीर को सीधा स्ट्रेट खेल दिया छह रन के लिए, अब दूसरा बॉल खेलेंगे बैट्समैन, बॉलर आए सफीर, गेंद की जगह बनाना चाहते थे, एक अच्छा बॉल, जगह बनाना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्केल लेग की तरफ धकेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, गेंद बीट करने सीधा कीपर के हाथों में और एक अच्छा बॉल बीट करने सफीर का। सफीर तीसरा गेंद करेंगे अपना, आए गेंद की और उठा के धकेल दिया, यकीनी यहाँ पर फील्डर मौजूद है, एक रन बनना चाहिए, एक बहुत खूबसूरत फील्डिंग, आबिद की दो रन के लिए तेजी करनी होगी और ये दो रन, आठ रन बन चुके हैं और तीन बॉलों पे। सफीर गेंद करेंगे और बैट्समैन उसका सामना करेंगे, चौथा बॉल होगा ये, सफीर आए गेंद की उठा के फेंक दिया, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, यकीनी चार रन होना चाहिए, ये चार रन, सफीर थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, पीछे गेंद करते हैं तो उधर फेंक देते हैं, आगे गेंद खेलते हैं तो बैट्समैन सीधा फेंक देता है, तो स्कोर फटता हुआ 139। सफीर बॉल करेंगे, सफीर आए गेंद की और ये यकीनी चार होना चाहिए, ये लेग पे पैर पे बॉल लगा था और ये चार रन, 142 143 स्कोर हो चुका है और 27 रन पीछे है विक्ट्री से जिब्राल्टर। अगर ये मैच जिब्राल्टर निकाल जाता है तो इसको एक तारीखी मैच आईसीसी का कहा जा सकता है कि दो ओवर में 43 143 आखिरी बॉल होगा ये, सफीर आए गेंद की और ये एक अच्छा बॉल था और एक ही रन बनेगा और 144 26 रन पीछे है विक्ट्री से जिब्राल्टर को अगर वो ये मैच जीतना चाहता है। शुरू से लाना यार जरा मैंने थोड़ा कमिंग द लास्ट ओवर ऑफ दिस मैच बिटवीन जिब्राल्टर एंड नॉर्वे, इट सीम टू बी इन फेवर ऑफ मैच इज इन फेवर ऑफ नॉर्वे। हेयर इज कमिंग मिस्टर आबद, ट्राई टू
flick the ball to the widest mid wicket and take a very comfortable single. So still 525 runs to reach the target, and that seemed to be a very difficult for Gibraltar. Match is in a pocket of Norway. My colleagues, what do you think about this match? I think so. Ye match jo hai, wo lazmi Norway ko jeet lena. Here is coming Mr. Abbott. Try to over the head, but this time the batsman. And let us see what is umpire has given. Four runs, so four more runs in three balls. In three balls, so still 20 runs. Still 20 runs to reach the target. Four balls. Move me na do. Four balls. Again, they are trying to hit the ball. But this time again, the batsman has lucky get to four more runs. So the score is still 15 or 14 runs needed, and three balls remaining. And the match is very fascinating position. 17 to win. It seemed 3 sixes they needed, and it is beyond their power. Beyond their power, in my opinion, that is a very difficult. Here is coming, full toss, but this time ball has stayed to the fielder, and now just two balls remaining, and it is impossible. Match is in pocket of Norway. I think so. If there is no ball, no some hanky panky, so there is matches in pocket of Norway, in my opinion. What's your opinion, Mr. Major? Here is coming Mr. Abbott. Again, ball was stayed to the bowler himself, and the last ball, last delivery of this match. Last ball? 16 runs remaining, and what I have predicted, I have 12 runs to win this match, but this is a 16 ball still. Let us see what is happening. The last ball, again over the head, but this time not six. So six runs, more runs. So 160 runs on the board. The match in congratulations. Norway has won the match, but not in a convincing position, but in a good position. But they have 160 runs. So, congratulations everybody. Norway has won the match. Gibraltar has lost the match by 6 runs. Shukriya Yahya Saab. Norway ye match jeet chuka hai aur ek khoobsurat match jahan par 0 pe 2 out ho gaye the Norway ke, lekin ban phir bhi 139 score kiya. Alun ji mubarak ho aapko. Aur ye match Norway Gibraltar se jeet chuka hai aur Shukriya ji. आपके खूबसूरत मैच, थैंक यू सर। आपके कदम आए जो है ना, कमर रंजा फरमाया ना आपने, मैच जीते हम, वरना कल तो मैच हारे थे हम, परसों भी मैच खुशी आए और हमें ये पता था हमारे कदम इतने हम कल आए थे बोले फ्री में। इट्स लुकिंग लाइक अ नॉर्वेजियन विक्ट्री, बट वी हैव आल्सो विन द मैच अगेंस्ट स्वीडन। अब वो आपकी गेम है, आपकी वो इसके बाद देयर इज आल्सो फ्रांस इज आल्सो प्लेइंग इन अदर ग्रुप। Well, I think